जी बेटा अस्सलाम वालेकुम मेरी आवाज आ रही है जी सबको जी सर वाली। जी सर आ रही है अच्छा मॉर्निंग के स्टूडेंट्स भी हैं क्लास में या नहीं हैं सर, सर है। चलें गुड अच्छी बात है जी क्योंकि मुझे मोस्टली जो है वो और तीन चार नाम जो मुझे याद है वो इवनिंग वाले ही नजर आ रहे थे मैंने सोचा कि शायद मॉर्निंग वाले ज्वाइन नहीं कर रहे हैं उनसे पूछ लेते हैं जी बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले शाबाश अबाउट फंक्शन फंक्शन क्या होता है फंक्शन की डिक्लेरेशन किसको करते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन क्यों जरूरी है फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन कॉल कैसे किया जाता है User defined functions, predefined functions, और function का बेनिफिट इसका यह है कि हमारा जो कोड है ना उसकी लेंथ कम हो जाती है प्रोग्राम छोटा हो जाता है रादर देन के हम लोग स्टेटमेंट्स को रिपीट करें बार बार लिखें, तो हम लोग उन स्टेटमेंट्स को एक फंक्शन का नाम दे के उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और वो फंक्शन हमारा काम करता जाता है तो अभी मैं ओपन करता हूँ जी उस पर हम लोग काम करें प्रोग्राम करके देखते हैं स्क्रीन करता हूं मैं आपके साथ तो यहाँ हम लोग एक छोटा सा फंक्शन का प्रोग्राम करके देखते हैं जी जिसमें हम चेक करेंगे कि फंक्शन डिक्लेरेशन अगर नहीं करते तो फिर क्या होता है या फंक्शन डिक्लेरेशन अगर करते हैं तो हम क्या करते हैं जी हम लोग एक फंक्शन का एक फंक्शन उसका नाम रखते हैं टेस्ट फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसका नाम रखते हैं टेस्ट इसका टेस्ट रखते हैं? किसका? ये सर वाइड टेस्ट बनाना है नया फंक्शन डिफाइंड ये तो वो ब्रक, उसका उसको डिक्लेर किया है ना नीचे देखे मैंने वाइड मेन तो लिख दिया है जी सर ठीक है मेन का फंक्शन तो आना ही आना होता है ना हर प्रोग्राम में क्योंकि मेन से ही काम शुरू होता है सारा मेन के अंदर ही काम जो भी होगा मेन के अंदर जो भी लिखेंगे वही एग्जीक्यूट होना उसके अलावा कुछ एग्जीक्यूट नहीं होना तो ये भी हम थोड़ी देर पहले पढ़ के आए आशिर के ये तो एक फंक्शन हमने बनाना था टेस्ट के नाम का वो तो हमने चेक करना ना अभी प्रोग्राम को यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए जो अभी हम बातें पढ़ के आए हैं वो हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं तो ये तो अभी हमने वैसे ही अपने फंक्शन का नाम रख दिया टेस्ट आपके नाम के साथ भी रखा जा सकता था तो यहाँ पर एक फंक्शन कॉल करते हैं जी क्लियर स्क्रीन का और फिर हम लोग यहाँ थोड़ा सा अभी हम इसको स्पेस छोड़ते हैं जस्ट आप लोगों को समझ आने के लिए और यहाँ हम लोग मेन के बाद मेन के के बाद हम टेस्ट फंक्शन को डिफाइन करेंगे और टेस्ट के फंक्शन को डिफाइन करेंगे उसके अंदर हम सिंपल ये लिख देते हैं कि दिस 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 वर्किंग वर्किंग इज इज फंक्शन नॉट तो हम सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं कि वर्किंग uh, और साथ में हम लोग ये डॉट्स लगा देते हैं मीन्स कि अब जहां जहां ये फंक्शन कॉल होगा वहां वहां वर्किंग जो है ये आउटपुट में आना चाहिए तो वापिस ऊपर चलते हैं तो यहां मैं साथ में लिख भी देता हूं आप लोगों को कमेंट्स की शक्ल में कि दिस इज फंक्शन डेक्लेरेशन और यहां लिख देता हूं आपको यहां से फंक्शन डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है फंक्शन डेफिनी अब वी आर गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन तो जहां मेरा दिल करेगा मैं कॉल करूंगा यहां मैं फंक्शन को कॉल करता हूँ नेम ऑफ द फंक्शन इज टेस्ट तो जब हमने कहा था कि जब कॉल करते हैं तो तब उसके साथ उसकी डाटा टाइप या रिटर्न टाइप नहीं लिखी जाती तो यहां देखें अब हमने इसको कॉल किया तो साथ में हमने वाइड नहीं लिखा इसकी डर टाइप नहीं लिखी अब देखते हैं ये रन होता है या नहीं होता तो ये देखें के वर्किंग जो है हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है अब फॉर एग्जांपल मैं यहां लिखता हूं जी सी आउट हेलो पाकिस्तान सी आउट पाकिस्तान जिंदाबाद यहां फिर हम लिख देते हैं टेस्ट फिर टेस्ट के फंक्शन को कॉल कर लिया मैंने फिर मैं लिख देता हूं सी आउट टेस्टिंग इज अंडर प्रोसेस और यहां फिर टेस्ट का फंक्शन कॉल कर लेते हैं अब जहां जहां टेस्ट का फंक्शन कॉल होगा वहां वहां ये कॉल हो के अपना काम करेगा क्योंकि हमने जहां जहां उसको कॉल किया है तो यहां मैं लिख भी देता हूं कि दिस इज फंक्शन कॉल ठीक है जी इसी तरह जहां जहां भी ये आप लोगों ने देखा कि जहां जहां भी हमने इसको कॉल किया अभी हम देखेंगे कि ये वहां वहां आप लोगों के पास जो है वो अपना काम करेगा तो वो देखें वर्किंग फिर हेलो पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद फिर वर्किंग फिर टेस्टिंग इज अंडर प्रोसेस और फिर वर्किंग अब यहाँ पर हमने असल में लाइन ब्रेक नहीं की लाइन ब्रेक कर लेते हैं ताकि हमें आउटपुट जो है ना वो ठीक से नजर आ जाए लाइन ब्रेक कर लेते हैं सबके साथ सर हम फंक्शन को बार बार कॉल क्यों रहे हैं बेटा ये तो अभी फिलहाल तो हम लोग इसको टेस्ट करने के लिए बार बार कॉल कर रहे हैं ना मैं आप लोगों को जस्ट चेक करवाना चाहता हूं कि जहां आपका दिल करेगा आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं ठीक है फिलहाल तो हम इसलिए कर, कर रहे हैं फिलहाल तो हम इसलिए कर रहे हैं ना जस्ट मैं आप लोगों को टेस्ट करवाना चाह रहा था कि जहां आपका दिल करेगा आप इसको कॉल कर सकते हैं फंक्शन को हमारा जहां दिल करता है हम क्लियर स्क्रीन के फंक्शन को कॉल करते हैं इसी तरह हम लोग जहां हमारा दिल करेगा हम अपने कोई भी फंक्शन हो जिसको हमने कॉल करना है जहां भी हमारा दिल करेगा हम उसको कॉल कर दिल करने से मुराद जहां हमारी हमें उसकी जरूरत है जहां हमें उसकी जरूरत है तो हम उसको तो ये बात मैं जस्ट आपको टेस्ट करवा रहा हूं ना अभी यहाँ पर तो कि जहां आपको उसकी जरूरत पड़ रही है आप उसको कॉल करते जा रहे हैं आप देखिए सबसे पहले वर्किंग का ऑप्शन नजर आ रहा है आपको आउटपुट स्क्रीन में क्यों क्योंकि हमने टेस्टिंग का टेस्ट का फंक्शन कॉल किया था फिर जहां टेस्ट का फंक्शन कॉल किया था उसके बाद हमने एक स्टेटमेंट सी आउट के थ्रू डिस्प्ले करवाई थी जिसका नाम जिसके अंदर डिस्प्ले किया था हेलो पाकिस्तान फिर उसके नीचे हमने एक सी आउट स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाई यूज की थी जिसमें हमने डिस्प्ले करवाया था पाकिस्तान जिंदाबाद

बार बेटा बार बेटा अपना माइक म्यूट कर लें मुझे लगता है आपको डांट पड़ रही है तो जिसकी वजह से हम नहीं सुन पा रहे कि आपको क्या डांट पड़ रही है ये ले जी तो अभी मैं प्रोग्राम को रन करूंगा एफ सेवन के साथ जो कि लाइन वाइज मेरा प्रोग्राम को रन करेगा ये देखें मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो एफ सेवन इज अ की आप उसको चेक कर सकते हैं कहाँ मूव कर रहा है कहा मूव कर रहा है प्रोग्राम कैसे रन हो रहा है तो ये आप लोग यहाँ से आप सेवन के थ्रू यूज कर सकते हैं मैंने आप सेवन प्रेस किया तो ये वाइट मेन से प्रोग्राम स्टार्ट होगा आप यहाँ देखें स्क्रीन के फंक्शन पे आ गया है क्लियर स्क्रीन के फंक्शन पे आगे उसने वो काम करना है जो कि क्लियर स्क्रीन के फंक्शन के अंदर डिफाइंड है वो क्या डिफाइंड है कि आउटपुट स्क्रीन को क्लियर कर दो और आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि आउटपुट स्क्रीन क्लियर हो गई है अब यहाँ पर हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ टेस्ट के फंक्शन को अब ये कहाँ जाएगा यहाँ से आप बताएंगे मुझे

फिर लिखा है पाकिस्तान जिंदाबाद वो डिस्प्ले करवा दिया अब यहाँ पर हमने फिर फंक्शन को कॉल किया अब यहाँ से ये फिर फंक्शन की डेफिनेशन में जाएगा फिर फंक्शन की डेफिनेशन में आ गया फिर यहाँ आगे फंक्शन है अपना काम किया फंक्शन का काम क्या था फंक्शन का काम था जी कि आपने डिस्प्ले करवाना है वर्किंग उसने डिस्प्ले करवा दिया अब फिर वापिस चला गया वापिस जाके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सी आउट टेस्टिंग इज अंडर प्रोसेस वो डिस्प्ले करवाया फिर टेस्ट फंक्शन की कॉल है जब फंक्शन की कॉल है फिर फंक्शन की डेफिनेशन में चला जाएगा वहां जाके अपना काम करेगा जो भी फंक्शन का काम है और ये आप लोगों के पास जो है जी फंक्शन के बाहर आ गया ठीक है यहां से गेट क्रैक्टर की वजह से वो आपसे कोई की मांगेगा और आपको वापस प्रोग्राम में ले जाएगा और ये आपका प्रोग्राम एंड गया ठीक है जी बेटा होप्स हो कि आपको फंक्शन जो है उसके बारे में समझ आ जानी चाहिए अब फंक्शन करेगा क्या वो तो हमारी रिक्वायरमेंट है ना मैं आपसे कहता हूं जी भाई कि आपने फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम लिखा था आप उस फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम को फंक्शन के थ्रू करें ठीक है फंक्शन के थ्रू करें मींस के फंक्शन कॉल करें और फंक्शन जो है वो आपसे पूछे भाई अच्छा कि आपने फैक्टोरियल किसका फाइंड आउट करना है आप उसको नंबर दें और वो आपको फैक्टोरियल फाइंड आउट करके दे दे इसी तरह टेबल का प्रोग्राम है टेबल का प्रोग्राम जो है वो आप लोगों के पास किया जा सकता है कोई भी काम फंक्शन के साथ किया जा सकता है अब आप ये देखें कि आपका जो हमारा जो सेलफोन है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड्रॉइड है विंडोज है आईओएस एस है अब इसके अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है ओपन जब आप राइट क्लिक करते हैं ना अपने सिस्टम में राइट क्लिक करके ओपन की ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आप अपने सिस्टम को कहते हैं अपने कंप्यूटर को कहते हैं कि ये फाइल ओपन करके दो अब ऐसा थोड़ी है कि आप जब पीडीएफ की फाइल ओपन कर रहे हैं तो पीडीएफ की फाइल को ओपन करने के लिए ओपन का फंक्शन सेपरेट है आप वर्ड की फाइल को ओपन करते हैं तो उसके लिए ओपन का फंक्शन सेपरेट है आप कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए आपका फंक्शन सेपरेट है आप लोग गूगल क्रोम गूगल क्रोम ओपन करते हैं तो उसके लिए ओपन का फंक्शन सेपरेट है हम मोजिला ओपन करते हैं तो उसके लिए ओपन का फंक्शन है ऐसा नहीं है बेटा हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं हमारे जितने भी बड़े सिस्टम्स होते हैं ये, ये सारे के सारे फंक्शंस का कम्बिनेशन होते हैं अमीर अपना माइक म्यूट करो यार ये सारे आपके फंक्शंस का कम्बिनेशन होते हैं अब सेंसिबल बात ये है कि हमारे सिस्टम के अंदर एक ही फंक्शन होना चाहिए एक ही ओपन का फंक्शन होगा जब आप किसी भी फाइल को डबल क्लिक करते हैं तो आपका सिस्टम क्या करता है आपके सिस्टम ओपन के फंक्शन को कॉल करता है अब डबल क्लिक का मतलब क्या है अभी हमने कभी आज समझने की कोशिश ही नहीं की डबल क्लिक करते हैं तो उसका ओपन कर दो डबल क्लिक करके ओपन कैसे कर दो राइट क्लिक करके ओपन कैसे कर दो ये तो एक ग्राफिकल इंटरफेस है हम राइट क्लिक करते हैं एक मेन्यू ओपन हो जाता है उस मेन्यू में ओपन की ऑप्शन होती है हम उस पे क्लिक करते हैं फाइल ओपन हो जाती है भाई ये ये तो ग्राफिकल चीजें हैं बैक एंड पे प्रोसेस क्या हो रहा है जब हम डबल क्लिक करते हैं तो सिस्टम को बताया गया है भाई कि जब किसी फाइल के ऊपर डबल क्लिक होगा उसका क्या मतलब है उसका मतलब ये है कि ओपन के फंक्शन को कॉल करो और जिस फाइल पर डबल क्लिक किया गया है उस फाइल का नाम पास करो उस ओपन के फंक्शन को उस फाइल का नाम उस ओपन के फंक्शन को दे दो और ओपन के फंक्शन की डेफिनेशन क्या है ओपन के फंक्शन की डेफिनेशन ये है ओपन के फंक्शन के अंदर वो स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं भाई कि इस फाइल को ओपन करना कैसे है अब उसमें से मैं इतनी बात समझ सकता हूं कि ओपन फाइल एक छोटी सी बात दीप में नहीं जा रहा मैं डेप्थ में नहीं जा रहा मैं इसमें से ये बात समझ सकता हूं कि वो फाइल आपके पास आपकी किसी ड्राइव में पड़ी हुई है वहां से उसके डाटा को उठाया जाएगा, उठाया जाएगा के उसको रैम में लोड किया जाएगा रैम में लोड करके फिर वो फाइल आपके सामने ओपन की जाएगी क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुछ भी मेमोरी में, में, में लोड हुए बगैर एग्जीक्यूट नहीं होता ये आपने अपने इंट्रोडक्शन के कोर्स में पढ़ा होगा आपके सिस्टम से रैम निकाल दी जाए तो हमारा सिस्टम वो हो नहीं होता चलना चलता ही नहीं है सिस्टम मतलब आपका मोबाइल फोन भी हो सकता है लैपटॉप भी हो सकता है अपना कंप्यूटर सिस्टम भी हो सकता है आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज जो इस तरह काम करती है अब डाटा लोड होता है रैम में लोड होता है रैम में डाटा उठाया जाएगा रैम में लोड किया जाएगा इसका अपना एक फंक्शन होगा फिर इसी तरह आप लोग अपने सेल फोन के अंदर टच करते हैं टच करने से क्या मतलब है जी टच करने का मुझे बताएं भाई जब आप, आप आपने ओपन किया अपने को ऑन ऑन किया ओन करने के बाद सामने आपके जो है वो ट्विटर का ऑप्शन आ रहा है आप ट्विटर के आइकॉन पे टच करते हैं तो क्या मतलब है टच करने का आप समझते हैं आपके जेहन में ये बात रन हो रही है कि आप टच करने से वो ट्विटर का ट्विटर ओपन हो जाएगा लेकिन भाई उसको बैकहेंड पे उसने कैसे ओपन करना है उसको कैसे पता चलेगा उसको पता चलेगा भाई कि ट्विटर जो है इसका नाम जो है वो मैंने पास करना है टू ओपन फंक्शन मेरा ओपन का फंक्शन जो है वो ट्विटर को ट्विटर के नाम को कॉपी करके उसको उसको ओपन करेगा तो ऐसा थोड़ी होता है कि हर हर फाइल के लिए हर चीज के लिए हर एप्लीकेशन के लिए ओपन का फंक्शन सेपरेट है अगर ये एक फंक्शन अगर ये मॉड्यूलरिटी अगर ये फंक्शन और मॉड्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट ना होता तो फिर फिर यही काम होना था फिर हर एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए सेपरेट इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़नी थी हर एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए हमारे पास जो है वो सेपरेट से फंक्शन लिखने पड़ने थे दिस इज द बेनिफिट कि प्रोग्राम जो है वो कम हो जाता है यार एक सिंपल सी बात है ना मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है हम सी आउट यूज करते हैं सी आउट कैसे काम करता है सी आउट कैसे काम करता है यह आउट काम करता है मैं आपको बताता हूं चले देखिएगा अभी मैं आपको बताता हूं सी आउट कैसे काम करता है सी आउट सी आउट का काम है आपकी स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करवाना और विदाउट यूजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम विदाउट द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम हम अपनी स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं करवा सकते हैं। तो इसका मतलब है आउट के पीछे पूरे का पूरा भाई कोई कोड है सी आउट के पीछे पूरे का पूरा कोड है वो हम लोगों ने एक दफा देखा भी था शायद yes, ठीक है मैं अभी आपको दिखाता हूं ये देखें अगर अगर हमें सी आउट को एज एन ऑब्जेक्ट एज अ फंक्शन ना दिया जाता तो भाई हमें आउट के लिए पूरा कोड लिखना पड़ता चाहे वो चार लाइनों का है, चाहे वो दस का है। हमें ये कोड ये जो आपको सामने नजर आ रहा है ये लिखना पड़ना था हर सी आउट के लिए मतलब के अगर मैंने अपने प्रोग्राम में फोर टाइम सी आउट यूज किया है तो मुझे अपने प्रोग्राम में फिर ये फोर टाइम सी आउट का ये ये चार जो सामने मेरी लाइनें नजर आ रही हैं ये मुझे फिर कितनी लाइनें बन जानी थी बारह बन जानी थी क्योंकि हर दफा के लिए सेपरेट से लिखनी पड़नी थी हर दफा के लिए से लिखनी पड़नी थी अब वही एक ही आउट है अब एक ही है उसी आउट के साथ आप लोग कभी हेलो वर्ड डिस्प्ले करवा लेते हैं उसी सी आउट के साथ आप लोग कभी फंक्शन को कॉल करके एक्सप्रेशन लिख के आउटपुट डिस्प्ले करवा लेते हैं जस्ट लाइक अभी मैं चेक करता हूँ टेस्ट करवाता हूँ अभी इसी सी आउट यहाँ के साथ में यहां पर जो है वो आ, कोई दो वैल्यूज डिस्प्ले करवा ऐड कर देता हूं ए प्लस बी और यहां हम ऊपर इंट एक्स टू टेन 20. Yes, वो थर्टी नजर आ गया आपको टेस्टिंग अंडर के साथ लिखा हुआ थर्टी अब देखिए बेटा वही सी आउट है उसी सी आउट के अंदर हमने एक स्टेटमेंट भी डिस्प्ले करवा ली उसी सी आउट के अंदर हमने थर्टी भी डिस्प्ले करवा ली अब अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊंगा तो आप देखिएगा कि कि वही सी आउट है यही कॉल होना है आप लोगों के पास जब आप कोई स्टेटमेंट डिस्प्ले करवा रहे हैं और यही कॉल होना है जब आप कोई नंबर कोई एक्सप्रेशन के साथ काम कर रहे हैं ठीक है जी ये देखे ये कोड सारा फिर हमें जो है वो बार बार लिखना पड़ना था अपने पूरे प्रोग्राम में ये जितना भी कोड हमें नज़र आ रहा है ठीक है ये देखें ये देखिए फिर वही आ गया वो अब आपके सामने है जी सारा कुछ तो फंक्शंस का क्या रोल है होप्स हो के आप लोग समझ गए होंगे इसकी इंपोर्टेंस क्या है ठीक है जी अगर ये फंक्शन का जी रोल जी। अगर फंक्शन का रोल ना होता बेटा तो फिर हमें हर काम के लिए हर चीज के लिए सेपरेट सेपरेट से इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती सेपरेट सेपरेट से स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ती तो प्रोग्राम तो बहुत लेंथी हो जाता तो अब हमारा हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है बेटा ये फंक्शन इनके अंदर रूटीन ही बनी हुई है फंक्शन ही है हमारे पास मॉडुलरिटी की बेस के ऊपर हमारे पास ये सारा काम किया जा रहा है तो होप्स हो के आप लोग फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे और दूसरा आप लोग जो है वो अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे ये जो प्रोग्राम आप लोगों को नजर आ रहा है या जो प्रोग्राम हमने अभी वो स्टार लाइन वाला किया था अंडरस्टैंड किया था ये अभी आपके सामने इसको भी करिएगा और अपने इस फंक्शन वाला जो आप लोगों के पास चैप्टर है इस फंक्शन वाले चैप्टर की हमारे पास एक्सरसाइज को भी स्टार्ट हाँ कर लीजिएगा और वहाँ से प्रैक्टिस के तौर पे प्रोग्राम्स को करें ताको समझ आए अपना फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएं फंक्शन बनाएं बनाए, फैक्टोरियल के प्रोग्राम का उस फैक्टोरियल के प्रोग्राम को फंक्शन को कॉल करें अपने मेन में और फैक्टोरियल कैलकुलेट तो करें टेबल का प्रोग्राम बनाएं फंक्शन बनाएं उसका उसको कॉल करें अपने मेन के प्रोग्राम के अंदर वहां उसको एग्जीक्यूट करें तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये दो तीन चार चीजें हैं अगर आप लोग कर लें बेशक मुझे सेंड कर दें मैं चेक कर लूंगा ठीक है जी इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है मुझे सेंड करें मैं चेक करूंगा तो आपको बता दूंगा तो और इसके अलावा इसकी एक्सरसाइज में से करें तो बाकी जो इंशाल्लाह ताला फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में और इसकी प्रैक्टिस करेंगे ठीक है जी ठीक है सर और बेटा आपको पता है कि जैसा कि आपको पता है कि हमारी एक क्लास जो है एक्स्ट्रा लगी हुई है इस सेमेस्टर के अंदर क्योंकि सेमेस्टर ये भी शॉर्ट है ठीक है तो इसमें हम लोग उस एक्स्ट्रा क्लास का फायदा उठाएंगे वो जो आपकी पांचवी पांचवी पांच क्लास है ना मॉर्निंग और इवनिंग दो क्लासेस हमारी आज हो जाएंगी ना ये ठीक है दो हमारी वेनसडे को हुआ करेंगी

ही बेटा और ठीक है जी बेटा कोई क्वेश्चन नहीं है तो अपना ख्याल रखिएगा जी अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला आपके साथ नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा ओके बाय लव यू अल्लाह